गुड मॉर्निंग, आई एम अनीता। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यूनिट 1 आर बॉडी ऑफ आर ईवीएस बुक। द चैप्टर नेम इज द मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। चैप्टर नंबर 1, द मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इसमें दो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द फेस। पार्ट ऑफ द फेस में क्या क्या होता है? फोरहेड, टीथ, टंग एंड लिप्स। ये है हमारा फुल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। हेड, शोल्डर्स, चेस्ट, आर्म्स, थंब। ये किसके पार्ट हैं? आर्म्स के पार्ट हैं ये। ठीक है, यहां से यहां तक। नीचे क्या है? फिंगर्स, ये लेग्स के पार्ट हैं ये पूरे। ठीक है, ये पूरा पार्ट किसका है? लेग्स का। अब इधर आएंगे आईज, ये हमारे पास दो आईज हैं। ईयर्स, दो ईयर्स हैं हमारे पास। नोज, नेक, रिस्ट। रिस्ट क्या होता है? जहां पर हम घड़ी बांधते हैं इसको रिस्ट बोलते हैं। एल्बो, स्टमक, थाई, नीज, ये नीज घुटने हैं इसको नीज बोलते हैं। ये थाई है, ये नीज है। और नीचे क्या है? फुट, ये है फुट। एंड ये हिप। तो ये है हमारे बॉडी पार्ट्स। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स से मिलकर के बनी हुई है। द मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर द हेड, नेक, शोल्डर्स, चेस्ट, स्टमक, आर्म्स एंड लेग्स। वी हैव वन हेड। हमारे पास कितने हेड हैं? वन हेड। द हेड इज कवर्ड विथ प्लेंटी ऑफ हेयर। हमारा हेड जो है किससे कवर्ड है? बहुत सारे बाल है हमारे सर के ऊपर। ठीक है, बालों से कवर्ड है। वी हैव वन नोज एंड वन माउथ। हमारे पास वन नोज एंड वन माउथ है। वी हैव टू आईज एंड टू ईयर्स। हमारे पास टू आईज हैं और टू ईयर्स हैं। वी हैव टू आर्म्स एंड टू लेग्स। हमारे पास कितने आर्म्स हैं? टू, और टू लेग्स भी हैं। द हैंड इज द लोअर पार्ट ऑफ द आर्म्स। हैंड जो है हमारे आर्म्स का निचला, लोअर यानी कि निचला पार्ट है। वन हैंड हैज फाइव फिंगर्स। एक हैंड में फाइव फिंगर्स होती हैं। बोथ द हैंड्स हैव 10 फिंगर्स। अगर दोनों हाथों की फिंगर्स को मिला ले तो कितने हो जाएंगे? 10 फिंगर्स। दोनों हाथों की उंगलियां कितनी है मिलाकर के? 5, 5 एंड 10। द फुट इज द लोअर पार्ट ऑफ द लेग्स। फुट हमारे लेग का लोअर पार्ट है, यानी कि लोअर पार्ट यानी कि निचला हिस्सा है। ईच फुट हैज 5 टोज। दोनों फुट में 5-5 टोज होते हैं। एंड अ हील, और एक हील यानी कि एड़ी होती है। सो बोथ द फीट हैव 10 टोज एंड 2 हील्स। और दोनों पैरों का मिलाकर के 10 टोज और 2 हील्स होंगे। आवर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स लिव टुगेदर इन आर होम। हमारे जो दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी जो होते हैं, हमारे पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, ब्रदर और सिस्टर, भाई बहन, हमारे साथ कहाँ रहते हैं? हमारे घर में रहते हैं। दे ऑल हैव अ हेड। उनके पास कितने हेड है? सबके पास एक एक सिर ही होता है। टू आईज, दो दो आंखें होती हैं। टू ईयर्स, अ नोज, दो कान और एक 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 नाक। टू आर्म्स एंड टू लेग्स, और दो हाथ और दो
पैर होते हैं। ये बनी है हमारी फैमिली पिक्चर। कौन कौन होते हैं, ये कौन है? ग्रैंड पेरेंट्स हमारे, दादाजी और दादी जी, और साथ में ये कौन है, हमारे पेरेंट्स हैं, फादर एंड मदर, और ये बच्चे हैं, ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, अभी देखते हैं रिमेम्बर में क्या लिखा हुआ है। रिमेम्बर यानी कि याद रखने योग्य बातें, हमें क्या क्या याद रखना चाहिए। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं? हेड, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, नेक, शोल्डर्स, बैक, चेस्ट, आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, स्टमक, लेग, फीट, टोज एंड हील्स। अभी हम कुछ एक्सरसाइजेस भी देख लेते हैं। आंसर ओरली, यानी कि मुंह जबानी जवाब देना है, लिखना नहीं है, मुंह से आपको बताना है। चैप्टर पढ़ा, सब कुछ समझ में आ गया। विच आर द मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? द मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर द हेड, नेक, शोल्डर्स, चेस्ट, स्टमक, आर्म्स एंड लेग्स। यही है ना हमारे बॉडी के मेन पार्ट्स। अभी सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द हेड कवर्ड विथ, हमारा हेड किससे कवर्ड है, सर के ऊपर क्या है? द हेड इज कवर्ड विथ प्लेंटी ऑफ हेयर, सेकेंड का आंसर हो गया। थर्ड नंबर, व्हाट डज आवर आर्म्स कंसिस्ट ऑफ, हमारे आर्म्स में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं? आवर आर्म्स कंसिस्ट ऑफ हैंड एंड फिंगर्स। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज आवर लेग कंसिस्ट ऑफ, लेग में क्या क्या चीजें होती हैं? आवर लेग कंसिस्ट ऑफ फुट एंड टोज, क्या क्या? फुट एंड टोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पॉइंट आउट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विथ योर फिंगर्स एंड नेम देम, अपने जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनको पॉइंट आउट करना है, बताना है आपको फिंगर रख करके, और उनके नाम भी बताने हैं या लिखने हैं। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, दे आर हेड, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, नेक, शोल्डर्स, बैक, चेस्ट, आर्म्स, हैंड्स, फिंगर, स्टमक, लेग्स, फीट, टोज एंड हील्स। अभी क्या है, मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द नंबर, पार्ट्स ऑफ द बॉडी इधर दे रखे हुए हैं और इधर आपको मैच करना है। सबसे पहले नंबर पर क्या है? आईज। आईज कितनी हमारे पास? टू। ये एक आपको करके दिखाया गया है। अब चैप्टर आप समझ गए हो, आंसर देना है हेड। हेड कितने होते हैं? हेड कितने है? वन। कितने हेड? वन। ठीक है, ये है हमारा वन हेड। फिर थर्ड नंबर, वन हैंड, एक हाथ में क्या होता है? फाइव फिंगर्स। ठीक है, क्या होता है? फाइव फिंगर्स। तो ये हमने मैच कर दिया। फिर टू फीट, टू फीट में क्या होता है? टेन टोज। ठीक है, तो ये हमने टेन टोज को मैच कर दिया। ओके, तो ये एक्सरसाइज हो गए। अभी एक लास्ट एक्सरसाइज है, ये भी देख लेते हैं क्या है ये। रीड अलाउड द गिवन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की पिक्चर यहाँ पर दे रखी है और इनके नाम आपको
बोलने हैं। तो चलिए मेरे साथ बोलिए नाम। लिप्स, टीथ, चीक, शोल्डर्स, आर्म्स, ये आपके आर्म्स हैं, ये एल्बो, ये रिस्ट, ये पाम, पाम हथेली, ये थंब, ये फिंगर्स और ये थाई। ठीक है, ये जांग का पोर्शन जो होता है इसको थाई बोलते हैं। और ये नीज, ये घुटने जो होते हैं ये क्या होता है, नीज। ये काफ, ये जो पीछे की पिंडलियां होती है ना पैरों की, इसको काफ बोलते हैं। फिर ये फीट, फिर ये हील। ओके,